कैथल जिला प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए कई मोर्चों पर काम किया जा रहा है। इसी क्रम में लघु सचिवालय के मुख्य द्वार पर एक सैनिटाइजिंग चैम्बर स्थापित किया गया है। यह चैम्बर चीका के सरकारी बहु तकनीकी संस्थान द्वारा 25,000 रुपए की लागत से बनाया गया है। यह चैम्बर प्रतिदिन 800 व्यक्तियों को सैनिटाइज करने की क्षमता रखता है। इस चैम्बर का उपयोग जिला प्रशासन के अधिकारियों, कर्मचारियों और अपने काम के लिए आने वाले नागरिकों द्वारा किया जाएगा। चैम्बर का उद्घाटन करने के बाद डिप्टी कमिश्नर सुजान सिंह ने बताया कि अगर यह प्रयोग सफल रहा तो अन्य स्थानों पर भी इस तरह के चैम्बर स्थापित किए जाएंगे। हमारे राजकीय बहुतकनीकी महाविद्यालय चीका के द्वारा तैयार की गई है टीम ने, तो मैं उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो उनके पास गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस थी, क्यों जिस तरह का माहौल आप जल्द देख रहे हैं, इसमें सैनिटाइजेशन का कैसे ध्यान रखा जाए। जो ऑफिस में जहाँ भी क्राउडेड एरियाज हैं वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो आज इन्होंने ये पहली मशीन बनाई है, इसमें 20 से 25 हज़ार रुपये तक का खर्चा आया है। और जो सोल्यूशन है वो अगर लगातार भी हम इसको इस्तेमाल करें तो जैसा बताया गया पूरे दिन के लिए ये सफिशेंट है। जो सोल्यूशन है उसकी कंपोजिशन है वो हेल्थ डिपार्टमेंट से वेरीफाई करके उसका जो कौन सी चीज़ें कितनी मात्रा में हो वो हमने इसमें डाला है। तो ये बहुत अच्छी पहल है और भी बहुत से राज्यों में ये प्रयोग किया गया है और जिलों में भी प्रयोग चल रहा है। ये सक्सेस हमारा मॉडल हो जाता है तो हम आगे इसको प्रोक्योरमेंट सीजन जो हमारी मंडियां हैं उनमें भी लगाने की कोशिश करेंगे। अभी कोई पत्र ITI के लिए प्राप्त हुआ है तो उनसे भी कोऑर्डिनेट करके, क्यों इन लोगों ने इसको बना लिया है तो ITI और पॉलिटेक्निक का कोऑर्डिनेशन करा के ये इस मॉडल को एक कमर्शियल स्तर पर हम इसका मैनेजमेंट करने की, असेंबल करने की कोशिश करेंगे कि लॉकडाउन होते हुए भी जो इनको इसके लिए ज़रूरी जो सामान है, जो मटेरियल है, जो इसमें आपको शीट्स चाहिए उनका प्रबंध भी हम कराएंगे, लॉकडाउन का उल्लंघन भी ना हो और इनको सफिशेंट मात्रा में वो सामान मिल जाए और इसके बनाने की जो प्रक्रिया है वो उसमें तेज़ी लाई जा सके ताकि इसको पब्लिक एट लार्ज के लिए हम इस्तेमाल कर सकें। रखना है उसमें हमें इसके इस्तेमाल से बहुत मदद मिलेगी, ऐसी हमारी उम्मीद है। और ये जो मॉडल बनाया है इस चीज़ में हमारा बहुत ही जो है सफल होगा, कारगर सिद्ध। जो सभी जो एम्प्लॉई हैं या आप लोग हैं या कोई भी जिनका पब्लिक के व्यक्ति जो यहाँ पर आ रहे हैं उनके सबसे ये हमारी अपील है कि जब आप सचिवालय में एंटर हों तो एंटर होने का आपका यही एक मार्ग है, इसी में होते हुए जाएं, अपने यहाँ 5 सेकंड के लिए रुकें, इसके अंदर वो सेल्फ जो है ना ऑटोमेशन से वो इसमें आपका सैनिटाइजेशन शुरू हो जाएगा और उसके बाद आप उसमें एग्जिट कर जाएं। इसी समय ऐसी तरह जब आप बाहर आएं तब भी आप इसी रास्ते का इस्तेमाल। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जिला प्रशासन के इस प्रयोग के बारे में 2 शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।